दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे हम लोग आज हिंदी पेडागोजी का लेसन नंबर 4, जो कि आज आपका पार्ट 2 रहेगा लेसन 4 का। इसका पार्ट 1 हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने हिंदी व्याकरण की जो आपकी भाषा में क्या भूमिका है उसको हमने समझा था। और आज हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण की शिक्षण विधियों को समझेंगे। तो अगर वो आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा पूछा जाता है आपका एग्ज़ाम में, शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब भी वीडियो आता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फिर आज। ये आपका है आज की व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं फ्रिक्वेंटली, उन विधियों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आपका इसमें आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, भाषा संसर्ग विधि है। इसके अलावा आपका क्या है, साहचर्य विधि है, खेल विधि है, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। कुछ ये 10 विधियाँ जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं इन क्वेश्चन से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है जो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपकी है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, सबसे एक लाइन में आप इसको याद रखें अगर, तो उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं हम आगमन विधि में। क्या होता है इसमें आपको, कि आप सबसे पहले बच्चों को क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य नियमों तक पहुंचते हैं। यानी कि आप बच्चे को एग्जाम्पल दे देंगे पहले कुछ भी, और उसके बाद में आप उनको रूल तक लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बच्चे को क्या किया, ब्लैक बोर्ड पर कुछ नाम लिख दिए, सब बच्चों के नाम लिख दिए, उसके बाद में आप उन नामों को देख करके बताएंगे कि भाई ये नाम जो है ये क्या है, ये सब आपकी संज्ञा कहलाती है। या फिर आपने स्थान के नाम लिख दिए, उन सबको आपको क्या करना है, एक समानता की तरफ लेके जाना है कि भाई ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, आपके नाम जो है वो संज्ञा होती है। तो आप उनको उदाहरण दिया, फिर आप उसको एक नियम की तरफ लेकर गए, ठीक है। इसमें आपके 4 पद होते हैं। सबसे पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बच्चों के सामने कोई भी, निरीक्षण करना यानी उदाहरण में समानता देखना। अब बच्चे देखेंगे कि उन जो एग्जाम्पल्स में सिमिलरिटीज़ क्या है, ठीक है। सामान्यीकरण क्या होता है, आपका समानता को नियम का रूप देना, मतलब कि जो भी आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे बच्चों के नाम दे दिए, स्थान दे दिए, नाम दे दिए, उसमें बच्चे देखेंगे कि वो समानता है उन सब में, उसको वो एक नियम की तरफ लेके जाएंगे कि भाई ये सारी चीज़ें, जितने भी नाम हैं हमारे, वो सारे जितने भी समानता है उनमें, सारे समान नेम जो हैं वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जितने भी स्थानों के नाम हैं वो सारे क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। वो आगे आपका सामान्यीकरण। प्रशिक्षण क्या होता है, बालकों द्वारा निकाले गए सामान्य नियमों की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है। अब बच्चों को समझ में आ गया कि भाई ये जो चीज़ें हैं, किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर हमारा नाम, वो क्या है, संज्ञा कहलाता है। आप उसको कुछ और एग्जांपल देंगे अब, ठीक है, आपने स्टेट के नाम दे दिए, भाई ये बताओ ये क्या है, अब बच्चे बताएंगे कि ये भी संज्ञा होता है। तो मतलब आपने एक परीक्षा ले ली उनकी, कि जो नियम की तरफ वो गए हैं उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। इस प्रणाली में कुछ शिक्षण सूत्रों का यूज़ किया जाता है, जो आपकी ये आगमन विधि है। क्या होता है उसमें, मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर कह सकते हैं आप इसको। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या होता है, मूर्त क्या होता है, जिसको आप छू सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें बच्चों के सामने हैं फिलहाल आप उनसे उन्हें सिखाएंगे, फिर उनको आप अमूर्त की तरफ लेके जाएंगे। मतलब कि जैसे कि आपने, आपको छोटे बच्चों को जैसे मैथ्स पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, चॉकलेट, जैसे आपने चॉकलेट ले लिया या कुछ कुछ भी ले लिए, स्टोन्स ले लिए, आप उनको दे देंगे कि भाई देखो ये 2 हैं और ये 2 हैं, इन दोनों को मिक्स करके कितना हो गया, 4 हो गया, आपने एडिशन पढ़ा दिया उनको। तो मूर्त चीज़ों से आपने स्टार्ट किया, बॉल ले लिया, ये 2 बॉल्स यहाँ पे हैं, 2 बॉल्स यहाँ पे हैं, इन दोनों को हमने जब इकट्ठा किया 4 बन गया, ये आपने उनको क्या किया, एडिशन सिखाया, लेकिन मूर्त चीज़ों से सिखाया। जब उनको एक कॉन्सेप्ट बन जाता है माइंड में, तब आप उनको अमूर्त चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे, तब आप उनको पूछ सकते हैं 2+2 कितना होता है, 4 होता है, 3+3 कितना होता है, 6 होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जितना बच्चे जानते हैं, जो उनको नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप उनको अज्ञात चीज़ों की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये होता है आपका ज्ञात से। इसके सारे जितने भी शिक्षण सूत्र हैं, एक्चुअल में ये आगमन विधि जो है, मतलब टोटली फॉलो करती है ये, कि भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर सेम चीज़, वही बच्चे को जितना आता है, जो उसके फैमिलियर है,
उन चीज़ों को आप पहले उसको बताएंगे, उसके बाद अज्ञात की तरफ लेके जाएंगे। जैसे संज्ञा वाले उदाहरण में बच्चों को ये पता है ये हमारे नाम है, ये स्थानों के नाम है, लेकिन उनको ये नहीं पता इसको संज्ञा भी कहते हैं। तो आप ज्ञात चीज़ से उसको अज्ञात की तरफ लेके जाएंगे, सरल से कठिन की ओर। यानी पहले उनको आसान चीज़ें बताएंगे आप, ये नहीं है कि आप उनको मतलब शुरू में उनको पहाड़ तोड़ने के लिए दे दोगे, मतलब शुरू में क्या करोगे आप उनको ईजी चीज़ें बताओगे। जैसे कि प्राथमिक लेवल पर आप क्या करेंगे, बच्चों को जैसे आपने पहाड़े करवा दिए, टेबल्स आपने उनको याद करवा दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे उन टेबल्स से उनको मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेकर जाएंगे, डिवीजन की तरफ लेकर जाएंगे, यानी सरल से कठिन की तरफ आप उनको लेकर जाएंगे। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि एक पूर्ण चीज़ यानी एक होल चीज़ उनको पता है बच्चे को, आप उनके छोटे छोटे अंश तक उनको लेकर के जाएंगे। जैसे कि ट्री है आपका, ट्री बच्चे को पता है ये ट्री है, लेकिन आप क्या है उसको पूर्ण की जानकारी है, आप उसको ये बताएंगे ये ट्री तो है लेकिन ये इसकी पत्तियाँ होती हैं, ये इसकी जड़ होती है, ये इसका तना होता है, मतलब पूर्ण चीज़ों से आप उसको अंश की नॉलेज देंगे। ये आपका होता है पूर्ण से अंश की, और ये आपके शिक्षण सूत्र होते हैं जो कि आगमन विधि में यूज़ किए जाते हैं। अब आपका क्या है निगमन विधि, निगमन विधि में क्या होता है, ये बिल्कुल उल्टा होती है आगमन विधि का, नियम से उदाहरण की ओर। तो याद रखेंगे आप नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं निगमन विधि में, कैसे जाते हैं इसमें क्या होगा, बेसिकली आप क्या करेंगे बच्चे को क्या करेंगे रूल्स बता देंगे, पहले आप उनको नियम कंठस्थ करवा देंगे बिना समझाए, उनको याद करवा देंगे कि ये आपके नियम है, ये आपको याद करने हैं। जैसे कि आप लोगों ने सब नहीं पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या किया जाता है, क्या पहले आपको इसका क्वेश्चन करवाया जाता है, नहीं पहले आपको ये नियम याद करवाए जाते हैं, ये फॉर्मूलाज है आप इसको याद कर लो भाई। जब वो आपको याद हो जाता है उसको फिर आपको क्या करना है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये वही है कि उसके आपको पहले नियम कंठस्थ करवाए जाते हैं, उसके पश्चात उदाहरण देकर उनका व्यवहारिक प्रयोग करना सिखाया जाता है। इसमें दो रूप होते हैं आपके, सूत्र विधि और पुस्तक विधि, दोनों ही आपको आगमन विधि में ही लेने हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सूत्र विधि मिलता है आप उसको आगमन विधि मानेंगे, मतलब नियम से उदाहरण की ओर। पुस्तक विधि भी इसी का एग्जाम्पल है, इसी में समाहित है, ये दोनों नियम आपके अलग नहीं है। सूत्र विधि में क्या करेंगे आप बच्चे को नियम रटवा देंगे कि भाई ये एग्जाम्पल है, ये मतलब आपके नियम है, ये आपको याद करने हैं, समझ में आए नहीं आए नियम याद करने हैं आपको। पुस्तक विधि में क्या करेंगे आप उसको बुक दे देंगे और बुक से नियम याद करने के लिए कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्रत्यक्ष विधि, इसे सुगम विधि, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि हिंदी की बस यही है कि आपको ज़रा सा नाम अलग दे देंगे तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये कौन सी विधि है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है आपकी, प्रत्यक्ष विधि में आपको इतना याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट लैंग्वेज से लैंग्वेज सीखी जाती है। इसमें आपको क्या है मातृभाषा जो होती है वो बिल्कुल आपकी मना की जाती है, निषेध होती है बिल्कुल, उसको आपको यूज़ नहीं करना होता है, क्षेत्रीय भाषा हो चाहे मातृभाषा हो। तो कहीं भी अगर आपको लिखा मिलता है क्वेश्चन में कि मातृभाषा निषेध है, वर्जित है, यूज़ नहीं करनी है, तो आपका प्रत्यक्ष विधि होगी। प्रत्यक्ष विधि बेसिकली होती क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे कि आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो अगर आपको वहाँ पर ये नियम लागू कर दिया जाए कि भाई आप हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपको इंग्लिश बोलना है, टीचर क्लास में इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश में लिखवाएगा, अगर आप वहाँ पे इंग्लिश बोलते हुए मतलब हिंदी बोलते हुए आप अगर वहाँ पे देखे जाते हो तो आपको फ़ाइन लगेगा, वहाँ पे फ़ाइन भरना पड़ेगा हिंदी बोलने पर या मदर टंग बोलने पर। तो वहाँ पे क्या है बच्चे को एक लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जा रही है, कोई नियम नहीं, कोई व्याकरण नहीं, कुछ नहीं याद करवाना आपको, ना ही आपको मदर टंग को बीच में लेकर के आना है। तो वो होता है आपको प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका भाषा संसर्ग विधि। अब भाषा संसर्ग विधि क्या है, ये विधि उच्च माध्यमिक स्तर पर ज़्यादा उपयोगी होती है, यानी बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। अगर पूछ लिया जाए भाषा संसर्ग विधि जो है वो किस मतलब लेवल पे पढ़ाई जाती है तो उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए ये सही है। इसमें क्या किया जाता है आपको, बेसिकली इसमें भी आपको कोई व्याकरण नहीं सिखाई जाती, कोई नियम नहीं याद करवाए जाते। क्या किया जाता है, कुछ आपके जो लेखक हैं जिनकी कुछ कृतियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, जिनमें एक अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी का, एक स्टैंडर्ड हिंदी का प्रयोग किया गया है, वो आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आपकी भाषा जो शुद्ध हो सके, आपकी भाषा क्या हो सके, आपकी भाषा जिससे शुद्ध हो सके। क्योंकि देखो जैसे हम लोग वैसे भी कहते हैं लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो उसकी, तो प्रोनंसिएशन आपकी जो है वो बनती चली जाएगी। तो इस विधि में यही किया जाता है कि भाषा को संसर्ग करवाया जाता है कि भाई कुछ आपको लेखकों की कृतियाँ दे दी, कुछ अच्छे मतलब जो आपके राइटर्स हैं उनकी बुक्स दे दी आपको, हिंदी साहित्य वो आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है और उससे आप जो है भाषा सीखते हैं।
फिर आता है साहचर्य विधि, श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी ने दिया इसको। इसमें क्या होता है, साहचर्य का मतलब आपको एक एनवायरनमेंट देना है, बच्चे को साहचर्य देना है आपको सिखाने के लिए। जैसे कि क्लास में आपका क्या है, आपके कुछ चित्र बने हुए हैं, आपके वॉल पे कुछ चित्र लगे हुए हैं और आप उसी से रिलेटेड कुछ कार्ड जो है वो फर्श पे आपने रख दिए। बच्चे को बोला कि आप इस चित्र के साथ में इस कार्ड को मैच करो, बच्चा क्या वहाँ पे अपने क्रिएटिव थिंकिंग लगाएगा। वहाँ आपने क्या किया, उसको एक साहचर्य दे दिया जिसमें रह करके वो सीख रहा है। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने क्या किया, जैसे कि मेरा जो बेटा है वो प्ले में है, उसको एनिमल नेम हो गया, फ्रूट नेम हो गया, वेजिटेबल नेम हो गया, मैंने उसको कभी भी अलग से नहीं सिखाया। मैंने क्या किया, अपने घर में वॉल्स पे वो उसके लिए चार्ट लगा दिए बड़े बड़े, जिसमें कि आपको पिक्चर भी है और उसका नाम भी लिखा हुआ है। अब वो क्या करता है, खेलते खेलते सीखता है, उसमें से मुझसे पूछ लेता है ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या है। उसको सारे वेजिटेबल नेम, एनिमल नेम सब उसको याद हो गया अच्छे से। किस तरीके से, उसको एक साहचर्य दिया जिसको कि वो देखता है, सीखता है, खेल खेल में सीख जाता है, उसको कभी भी अलग से मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ये याद करो। तो ये होता है आपका साहचर्य विधि, यही एनवायरनमेंट आपको क्लासरूम में देना होता है बच्चे को। फिर आता है आपका खेल विधि। खेल विधि द्वारा क्या होता है, व्याकरण शिक्षण, जैसे कि फ्लैश कार्ड हो गया, शब्द लड़ी हो गया, केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव करें, यानी कि खेल खेल में आपके बच्चों को सिखाना है कि व्याकरण के क्या नियम है, किस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। यानी कि आप कोई भी खेल चूज़ कर लीजिए, चाहे तो आप शब्द लड़ी, फ्लैश कार्ड यूज़ कर लीजिए, या फिर बच्चों को कहिए कि केवल स्त्रीलिंग वस्तुओं का चुनाव करें। यानी कि आपको एक ऐसा खेल बच्चों के लिए चूज़ करना है जिससे कि वो व्याकरण के नियम सीख जाएं खेलते खेलते। प्रदर्शन विधि क्या होती है, प्रदर्शन का अर्थ होता है किसी वस्तु को दिखाना। तो प्रदर्शन यानी कि डेमो करना किसी चीज़ को सामने, जैसे कि आप, मैं EVS का जब आप लोगों का लेक्चर देती हूँ तो मैं उस अपनी पूरे उसमें आपके जो नोट्स होता है उसके अंदर कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स को ऐड करूँ मैं उसके अंदर। क्यों, ताकि आप पिक्चर्स से रिलेट कर पाएँ, उसको याद रख सकें कि हाँ इस जगह के बारे में बात हो रही है और ये जगह ऐसी दिखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको अच्छे से याद रख पाते हैं, अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हैं उसको। तो उसको कहते हैं प्रदर्शन विधि। बच्चों के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, क्लासरूम में चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो अच्छे तरीके से उसको क्या करेंगे, सीख पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में, इस विधि में बालक अपनी समस्या का हल स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और उसको हल करता भी है। ये बाल केंद्रित विधि है, यानी कि क्या है, जैसे ये आप, ये भी आपकी उच्च स्तर पर होती है, उच्च माध्यमिक स्तर पर है। बच्चे को आपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट दे दिया, एक उसको आपने प्रॉब्लम दे दी और उससे रिलेटेड आपने उसको प्रोजेक्ट दे दिया, कुछ ग्रुप्स बना दिया बच्चों का और उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया कि आपको ये प्रोजेक्ट में इस समस्या का हल करना है। अब बच्चा क्या करेगा, खुद सोचेगा, खुद अपना मतलब माइंड लगाएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है और उसका हल निकाल करके आपको दिखाएगा, एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेगा। तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, बाल केंद्रित विधि है ये। इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी जो है वो काम आएगी, बच्चा पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है संश्लेषणात्मक विधि। इसमें क्या होता है, पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। संश्लेषणात्मक का मतलब क्या हुआ कि आप पहले इसमें क्या करेंगे, छोटी चीज़ को बताएंगे, कुछ मतलब उसके पार्ट्स बताएंगे, उसके बाद आप होल की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे जब बच्चे को हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं तो हम उसको सिखाते हैं कि वर्णमाला सिखाते हैं हम लोग उसको कि वर्णमाला क्या है। फिर उसके बाद में वर्णमाला जब वो सीखते हैं तो उसके बाद में वर्णों से हम उसको शब्द बनाना सिखाते हैं, शब्द से फिर उसको क्या करते हैं, हम वाक्य बनाना सिखाते हैं। तो क्या है, छोटे से हम क्या कर रहे हैं, पूरा पूर्ण की तरफ जा रहे हैं। फिर आता है आपका विश्लेषणात्मक विधि, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको पूर्ण से अंश की ओर जाना होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका व्याकरण के लिए और कहानी शिक्षण के लिए आपकी क्या होती है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को आपने कहानी सुना दी, उसके बाद में आप उसमें से कुछ कैरेक्टर्स को निकाल के अलग से आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी होल से आप क्या कर रहे हैं, पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ही आपने एक सेंटेंस बच्चे को लिखवा दिया और उसमें से फिर क्या कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इसमें वर्ब यूज़ की गई है। तो क्या, एक होल से आप क्या कर रहे हैं, उसको अंश की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये था आप हमारी 10 विधियाँ जो हमने पढ़ी इसके अंदर में, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से बनते हैं। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कि आपको क्या है, ग्रामर जो है वो आपको इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ाई जाती है। भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और पुस्तक विधि। तो आप खुद पहले वीडियो को चाहे पॉज कीजिए, आप इसका आंसर खुद सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है, ताकि आपको समझ आए कि कितना समझ पाए हैं आप।
तो अगर हम बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि के क्या होता है, हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। तो व्याकरण में हम क्या करते हैं, उसमें भी व्याकरण पढ़ाया जाता है, ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ लेके जाएंगे व्याकरण के आपको। निगमन विधि में क्या होता है, आपको व्याकरण के नियमों से उदाहरण की तरफ जाएंगे हम लोग, लेकिन व्याकरण वह आता है उसके अंदर में। पाठ्य पुस्तक विधि में भी आपको बुक दे दी जाएगी और उसमें आपको व्याकरण के नियम आपको याद करने होंगे, लेकिन आपकी भाषा संसर्ग विधि में आपको कहीं किसी तरह की व्याकरण नहीं सिखाई जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको एक अच्छी बुक, एक अच्छे लेखक की बुक, या फिर आपको एक अच्छी जो कृतियाँ होती हैं वो आपको दी जाएंगी कि इनको पढ़ो, इनके अंदर एक अच्छी भाषा का यूज़ किया गया है और इससे आप सीखो। उसके अंदर आपको व्याकरण की अलग से कोई शिक्षा नहीं दी जाती स्वतंत्र रूप से। तो आंसर हमारा रहेगा भाषा संसर्ग विधि, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ में नहीं रखा जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा, सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि क्या कहेंगे हम मातृभाषा को मध्यस्थ में नहीं रखा जाएगा। तो क्या है, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण विधि में मातृभाषा का कोई वैसे भी मतलब नहीं है, व्याकरण में तो आप नियम याद करवाओगे उनको, व्याकरण पढ़ाओगे, उसमें मातृभाषा यूज़ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र विधि में आपको सूत्र रटवाने हैं, उसमें भी आप मातृभाषा यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुवाद विधि में क्या करना है, अनुवाद में तो आप पूरा ट्रांसलेट करके देते हैं बच्चे को, एक एक लाइन आप हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर एक एक को उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देंगे। प्रत्यक्ष विधि हमने अभी भी पढ़ा, डायरेक्ट जो मेथड होता है आपका वो क्या करता है, उसमें व्याकरण आपकी मातृभाषा आपकी क्या है, निषेध है बिल्कुल, आप उसको यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज से लैंग्वेज सीखेंगे। अगर टीचर इंग्लिश बोल रहा है, आप इंग्लिश को उसको सुन करके इंग्लिश सीखेंगे, तो आपकी उसमें क्या होगा, वो आपकी क्या रहेगी, प्रत्यक्ष विधि रहेगी, उसमें मातृभाषा का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी रहती है, प्रत्यक्ष विधि से द्वितीय भाषा सिखाने का मुख्य सिद्धांत नहीं है। अब हमने पीछे पढ़ा डायरेक्ट मेथड क्या है, ठीक है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसमें दूसरी भाषा जब हम सिखाते हैं तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या नहीं है, बातचीत द्वारा, मौखिक अभ्यास द्वारा, व्याकरण द्वारा या व्यवहारिक रूप से। तो इसमें आपका क्या होगा, देखो प्रत्यक्ष विधि से जब हम भाषा सिखाते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज टू लैंग्वेज, बातचीत तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर में, लैंग्वेज टू लैंग्वेज, टीचर इंग्लिश में बोलता है, आप भी इंग्लिश में बात करते हो, भाषा से भाषा सिखाई जा रही है, बातचीत होगी, बिल्कुल ठीक है। मौखिक अभ्यास होगा, बिल्कुल आपका ओरल जो होगा, आपका प्रैक्टिस होगी उसमें भाषा में, जितनी ज़्यादा उतनी ही आप उस भाषा को सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि में यही होता है आपका। व्यवहारिक रूप से यानी कि आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इस भाषा में आपको क्या है, प्रैक्टिकली आपको इंग्लिश का यूज़ करना है, स्कूल में इंग्लिश ही बोलनी है आपको, इंग्लिश में आपको बात लिखनी है, बोलनी है, सब कुछ इंग्लिश में करना है, मतलब कि व्यवहारिक रूप से यूज़ करेंगे आप प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन व्याकरण द्वारा आपको उसको क्या है, उसमें आपकी व्याकरण कहीं पर भी नहीं आती, आपको ग्रामर नहीं बताया जाएगा कि आपको कोई भी ग्रामर के नियम नहीं बताए जाएंगे प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है, डायरेक्ट लैंग्वेज से लैंग्वेज सिखाई जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन, इसमें कि हमने डिस्कस किया कि हिंदी आपकी व्याकरण की जो है शिक्षण विधियाँ जो है वो कितनी हैं, हमने कुछ 10 करीब विधियाँ जो है वो डिस्कस की हैं, जो कि आपकी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।